हेलो एवरी वन टुडे दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन केस लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द केस इज़ अब्दुल अजीज वर्सिस मौसम अली और इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि अगर हम एक मस्जिद है उसको ठीक कराना है ठीक है और उसकी जिम्मेदारी लेती है एक इस्लामिक एजेंसी और उन्होंने बोला है कि हम तीन हज़ार रुपये कलेक्ट करके इस मस्जिद को रिपेयर कराएंगे ठीक है और इस लग, इस इस्लामिक एजेंसी का जो ट्रेजर हेड है जो पैसा कलेक्ट कर रहा है उसका नाम है मुंशी मुंशी अब्दुल करीम ठीक है तो ये बोलता है कि मैं तीन हज़ार के अलावा पाँच सौ रुपये मैं खुद दूंगा पाँच सौ रुपये का एक चेक मिलता है इनको मुंशी जन मोहम्मद से और एक आ, हकीम शैफ़ुल्ला है वो बोलता है कि मैं सौ रुपये दूँगा ठीक है तो सौ रुपये इसने इसको दे दिए तो टोटल अमाउंट हो गया इकतीस सौ रुपये किसके पास आ गए ये इस मुंशी अब्दुल करीम के पास आ गए अब होता ये है कि जो ये पाँच सौ रुपये का जो चेक है ये एंडोर्स करता है बैंक में बैंक इसको ड्यू टू सम डिले बैंक इसको मना कर देता है फिर इसको अप्लाई करते हैं दोबारा फिर इसको आउट ऑफ डेटेड डिकलेयर कर देता है इस चेक को इन द मीन टाइम ये जो ये इनका जो मुंशी था क्या बोलते हैं जो ट्रेजर लगा लो ये मुंशी अब्दुल करीम ये भी एक्सपायर हो गया और चेक वाला बंदा ये भी एक्सपायर हो गया तो इनके जो हज़ार रुपए हैं ये इस खाते में गए ही नहीं जो इकतीस थे प्लस में इकतालीस सौ बनने चाहिए थे हज़ार रुपये और थे तो जो इस्लामिक एजेंसी है दे वांट कि हम जो ये इनका जो ट्रेजरर था मुंशी अब्दुल करीम उनके जो हेयर हैं हेयर मतलब जो उनके वंशज हैं हम उनसे से हज़ार रुपये लेंगे कि पाँच सौ रुपये तो इसके मोहम्मद जन मोहम्मद जन मोहम्म सी मुंसी जन मोहम्मद के और पाँच सौ रुपये जो इसने वॉल्ट्रली बोले थे कि मैं ऐड करूँगा इसके अंदर तो ये केस जाता है अदालत के अंदर ठीक है तो उसमें प्लेंटिव तो हैं ये अब्दुल अजीज और जो डिफेंडेंट है वो इसके वंशज अब्दुल करीम के जो वहाँ का ट्रेजर था तो जो कोर्ट बोलती है पहला पॉइंट कि जो वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस है किसने ये बोला था कि मैं वॉलेंट्रली आई विल गिव और जो मस्जिद है इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ ये बात इन्होंने भी एक्सेप्ट की और इन्होंने भी माननी किया मस्जिद के ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है ठीक है तो इसीलिए जो वॉलेंट्रली इसने बोला था कि हाँ मैं पाँच सौ दूंगा दूँगा यू कैनोट कंपेल ठीक है इसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते कि हाँ उसने बोला था कि पाँच सौ और दे मेरे को तो ये पाँच सौ यू के नॉट टेक नेक्स्ट केस जो ये पाँच सौ रुपये का चेक की बात थी तो ये बोलते हैं कि जो चेक जो पाँच सौ रुपये का हमें नहीं मिला वो इसकी गलती से नहीं मिला इसने डिले किया इसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो कोर्ट बोलती है कोर्ट कहती है कि जो पाँच सौ रुपये का चेक था वो एंडोर्स नहीं हो पाया दैट इज़ ए नेचुरल डिले उसमें इस अब्दुल करीम का कोई भी हाथ नहीं है ठीक है वो इसकी कमी के कारण नहीं हुआ तो इसको हम लाइबल नहीं ठहरा सकते ठीक है तो कोर्ट ने बोल दिया कि जो अब अब्दु, मुंशी अब्दुल करीम है इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये ज़िंदा नहीं है वैसे इसकी गलती है ही नहीं तो इसके बच्चों को तो आप कह ही नहीं सकते जब इस जब इसको ही नहीं कह सकते तो इसके बच्चों को तो आप क्या कहोगे कुछ भी नहीं तो इसलिए इस केस को उन्होंने डिसमस कर दिया बोलते कि नहीं दे आर नॉट लाइबल टू पे ठीक है तो जो हज़ार रुपये थे इनसे पाँच सौ रुपये इसके सेल्फ वाले और पाँच सौ रुपये का चेक का जो इश्यू था वो इसको नहीं दिया गया तो इसका जो जजमेंट का जो एक डॉक्टर ने हम निकल निकाल के लिए क्या जो आउटपुट है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस है दैट कैन नॉट बी कम्पैल्ड ठीक है उसको हम मांग नहीं सकते एनफोर्स नहीं करा सकते कब तक जब तक कि जो पाँच सौ रुपये का जो एक काम था जो भी जिस परपज़ के लिए दे आर कलेक्टिंग वो काम स्टार्ट नहीं हुआ हो यदि ये काम स्टार्ट हो जाता और फिर ये कहता कि हाँ मैं कराऊँगा मैं पाँच सौ रुपये दूँगा तब इसको देने पड़ते हैं अभी इससे एक केस आगे आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही है थैंक यू